आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं बाबा के साथ जुम्मे की? वाह भाई, और जानमाज दिखाओ अपनी। मम्मा लाई थी, कहाँ से लाई थी मम्मा? सऊदीया से। सऊदीया, सऊदीया, पता है इसे मैंने कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी है? मैंने इसमें बहुत जगहों पे नमाज पढ़ी। आपने इसमें उम्रे की नियत करी है? हाँ, उम्रे की नियत करी, मैंने इसको बताया था। अल्लाह, और ये बात क्या कह रहा था, मुझे वाली नमाज चाहिए जानमाज जिसमें आपने उम्रा किया है, ऐसी था ना? चलो इसको फोल्ड करके ना, हाँ टोपी भी मदीने की है ना, मदीने से ली थी। टोपी मक्के की है? अच्छा 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 जी, मेरा बेटा है मदीने की है, मदीने से ली थी। चलो फोल्ड करो उसको, शाबाश, खो के मत आ जाना। इसको इतना दिल से लगा के रख रहा है जब से माशाल्लाह से आई है जाना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो करना हमारे लिए भी। क्या करके आओगे दुआ? तुम नेक बन जाओ। चलो अल्लाह हाफिज। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तनपुर का विंटर ग्लो सीरम, और ये सीरम जो है ना बड़ा ही कोई मैजिक लिए, क्योंकि भाई मैं भी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरी स्किन को जो है ना इसने बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी कॉम्प्लेक्शन अभी कुछ दिनों पहले कितनी ज़्यादा डार्क हो रही थी और कलर भी काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा था, तो अब जो है चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा खिला खिला सा हो गया है और स्किन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और ये सीरम बहुत ही ज़बरदस्त है इस मौसम के लिहाज से, और अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आप लोगों को दिख जा मिलता है, और इसको किस तरह से लगाना होता है कि देखिए, आपने हाथ पे इसको इस तरह से लिया, इसको बस इसके टू ड्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं, और हाथों पे इस तरह से करके ऐसे लगा लिया। पता भी नहीं लगता कि आपने चेहरे पे कुछ अप्लाई किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन इस ड्राई जो है ना मौसम के अंदर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है और आपकी स्किन काफ़ी ड्राई भी जाती है, और कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, जो लोग गोरे होते हैं जिनकी फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनकी भी थोड़ी डार्क हो जाती है। तो अगर इस तरह के सीरम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश भी रहेगी और आपकी स्किन भी जो है वो फ्रेश रहेगी, और स्किन पर होने वाली ड्राइनेस भी जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करती है। तो अगर आप लोग भी इस चिल्तनपुर के विंटर ग्लो सीरम को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, साथ साथ मेरा कूपन कोड जो है टेंगुरे के नाम से, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी अचानक एकदम तबीयत ख़राब हो गई, एकदम इतना शदीद बुखार हो रहा है, और ये भी कूलिंग पैच जो है ना ये इसके लगाया है। अभी तो मैं चलती हूँ दिखलाने दवाई, बाबा को तो टाइम लगेगा, वो कह रहे हैं तुम जाओ दवाई वगैरह दिलाओ। उठ रहे हो? हिम्मत है उठने की? ये बात आप बेटा भाई से थोड़ा दूर रहो, फिर वायरल है, फिर आपकी अभी अल्लाह लगा के सही हुई है। मम्मा इसमें छोटा बच्चा भाई और बड़ा बच्चा? बेटा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ये देखो अभी बात की दवाइयाँ चल रही थी इतनी, अभी इसके आज इसका ख़त्म हुआ है बात का कोर्स, ये सारी अभी इसकी एंटीबायोटिक वगैरह ख़त्म हुई है आज, कल रात को यानी ख़त्म हुआ है ना, तो अब इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसे ही बस चल रहा है आजकल, मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। चलो जहाँगीर हिम्मत करो बेटा थोड़ा उठने की, उठो शाबाश, उठ जाओ मेरा बेटा, ये बात तंग नहीं करो भाई को, क्या कर रहे हो? ओ मेरा बेटा पैर दबा रहा भाई के, हाँ पैर दबा लो, चलो भाई की तबीयत सही नहीं है, बस भाई के ना माउथ के करीब मत जाना ज़्यादा, जो वो सांस से हाँ लगता है ना वायरल है ना ये, अभी देखो तुम्हारा बुखार उतरेगा इससे तुम्हें। कितनी मोहब्बत करता है भाई, देखो तुम्हें पैर दबा रहा है, वो मोहब्बत वाला बच्चा है। कोई बात नहीं, चलो। जहांगीर को इतना ज्यादा बुखार था कि ठंड से इतना कपकपा रहा था, और मैं इतना डर गई, तो बस मैं अभी अम्मी के साथ इसको दवाई दिलाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को टाइम लग जाएगा, तो बस अभी मैंने इबाद की ट्यूशन छोड़ा और मैं जा रही हूँ अम्मी की। अच्छा जी, तो दवाई नहीं, दवाइयाँ जो है ना वो आ चुकी है जहांगीर की, और एक मैंने इसको भी खुराक दे दी है, ये सीरप और ये। जहांगीर तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। अच्छा गले में दर्द अम्मी के भी चल रहा है, अम्मी का सही है गले का दर्द है अम्मी? दर्द नहीं है। हाँ ये भी यही कह रहा है, कुछ खिंचाव कुछ छाले से लग रहे हैं अंदर, यानी सबको एक जैसा ही हो रहा है मसला। चलो बस बुखार तो खैर खैर है, बेहतर है। अभी जहांगीर बाद नहीं आया, जहांगीर ट्यूशन से काम नहीं हुआ होगा, मैं सवा सात हो रहे हैं, मुझे टेस्ट दोगे? बच्चे कल टेस्ट भी है, और तुम्हारे वैसे ना ये लग गया है कि हर पेपर्स में और टेस्ट में तुम्हारी तबीयत खराब होनी होनी है, पता नहीं।
मेरे को आई नहीं निकलती थी आंखों में ना, हाँ मेरी आंख में दाना हो जाता था, आंख में हो जाता था मेरे, हाँ पेपर हुए कोई वो हो जाती है चीज़, और इसको बुखार चढ़ता है। तो अम्मी जो ना यहाँ पे मेरे बचपन की बता रही थी कि जब मैं स्कूल गोइंग थी ना, तो जब मेरे एग्जाम्स या टेस्ट वगैरह होते थे तो मेरे साथ भी जो ना एक लग गया था कि बस जब भी कुछ एग्जाम्स वगैरह होंगे ना तो आंख में गुआइनी निकल जाएगी, जिसकी वजह से मैं कोई इतनी डिस्टर्ब रहती थी और मुझे नफरत हो गई थी ना इस चीज़ से। वही चीज़ जो ना मेरे बच्चों के साथ हो गई है कि जहांगीर के भी जब भी एग्जाम्स होते हैं ना, मैंने नोट किया है कि उसको बुखार चढ़ जाता है और ये बीमार हो जाता है। तरह की चीज़ों से जो ना बच्चे भी डिस्टर्ब रहते हैं और माएँ भी जो ना बहुत परेशान हो जाती हैं। किसकी दिखाओ मुझे तो मेरी चीज यार, तेजी कोई एक चीज मंगवाई जिंदगी में वो भी नहीं लाए तुम, वाला दो जो चाय के साथ खा सकती हो, चाय के साथ खाने वाला दो ना। हाँ ये वाला नहीं, ये तो मेरा है, 30 रुपए का हो गया है तो यार कोको में दे दे, कोको में 25 रुपए की ये भी मैं चाय के साथ खाऊंगी। अब खाएंगे हम ये वाला बिस्किट। यस अभी डाला पावर खाने जाने की तैयारी। हाँ कैसी मंगवा लो गाड़ी, गाड़ी भी मंगवा लो, सब जा रहे गाड़ी भी मंगवा लो, सही कैसे गाड़ी भी मंगवा लो। टीटू 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 नहीं, उनकी टीटू थोड़ी होती है, हम घर आएंगे ना टीटू है, नहीं लेकिन उनकी टीटू नहीं होती है, हम घर आ जाएंगे तो टूटा टूटा मेरी वाली जो थी ना पीपो पीपो, हाँ वो वाली, हाँ वो वाली लगा और छोटा बड़ा पागल सारे पागल जाते हमारा साइज से पागल रहते हैं। ये कोई बड़ा जो है ना वो होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हम लोग जो छोटे बीमार पड़ते थे ना तो अम्मी हमें नानी के घर ले जाती थी और वहाँ जाके अम्मी बताती हैं कि हमारे हम सही भी हो जाते थे, और जो है ना अम्मी का भी यानी कि जो दिमाग ख़राब होता है ना माओ का, बच्चों की तबीयत देख देख के वो भी ठीक हो जाती थी। अब मेरे साथ भी यही होता है कि तबीयत अगर मेरी खुद की भी ख़राब होती है बच्चों की भी होती है तो मैं अम्मी के घर फ़ौरन से होता है कि यार मैं चली जाऊँ, तो वहाँ जाके होता है ना कि हंसी मजाक बातें बातें होती हैं, और एक पता नहीं माओ के पास जाके ना हम भी थोड़ा सा मुतमईन हो जाते हैं कि चलो यार अम्मी के पास आ गए तो अब ये है कि अब सब सेट हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है पर नहीं होता, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। अच्छा अभी जो है ना मैं चावलों को जो है यहाँ पे दम लगा दिया था अम्मी ने, तो ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव भी रेडी हो गया, और साथ में जो है ना दोपहर में मैंने तोरे की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी, तो ये भी पप्पा ने तो खा लिया खाना, हम लोग अभी खाएंगे, तो ये भी है अभी खाने लगाते कि बोतल लगी अंदर गैस नहीं आ रही थी, पुलाव का खाना जो हमारे यहाँ बाहर ही पकता है। चलो भाई लगाओ खाना अंबर, चलो पकौड़ा ले जाओ। हाँ नहीं तुम रखो ही ऐसे, रुको अभी रुको, किसे ले जाना है क्या कर रही हो, रखूँगी ना पहले स्कैन ले जाए। अच्छा जहांगीर की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना दूसरे दिन का व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी, और ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन अंबर जो है ना मेरे लिए सूट लेकर आई थी, और साथ ही साथ जो है ना मुझे उम्रे की दावत की भी इनविटेशन आई थी, मेरे जेठ और जिठानी दोनों आए थे। तो अभी इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंबर ने मुझे कितना प्यारा जो है ना वो सूट गिफ्ट किया था। वैसे तो खैर गिफ्ट जो होते हैं वो सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन सूट बहुत ही माशाल्लाह प्यारा, मैं अभी आप लोगों को इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और बस अभी ये कि जेठ जिठानी भी आ गए तो घर में और ज़्यादा मजीद जो है वो रौनक लग गई थी। चाय आपकी, चाय भाई मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, हद ही हो गई, वैसे खाना खाया नहीं क्या आपने, खा लिया ऐसे ही करना है शुगर मेला मुबशर, चेयर ला दूँ सुकून ला दूँ, चेयर ला दो वो सुकून से बढ़े मैं सर्दियों में जो ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप खाना खाने के बाद जो ना मस्जिद और कोई काम जो ना वो करो, और इतनी ठंड हमारे यहाँ जो हैदराबाद में ना अभी रात में इतनी कोई हवाएं चल रही ठंडी ठंडी के बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और सब जो ना ब्लैंकेट्स में घुस जाते हैं। चलो अच्छा ना ये लो, अच्छा ले लो ना, मैं लेकर आई हूँ, अच्छा ना अच्छा ना, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे तब दूंगी गिफ्ट, तुम्हारी भी इनवाइट कर दी, अच्छा ना अच्छा अच्छा खोल के दिखाओ जल्दी से अनबॉक्स करो इसको, और मुझे ना बताओ लगता है अच्छा ब्लू बहुत कब लाई थी ये, मैं तहसील के साथ गई थी और मैंने इतना दिमाग खपाया था,
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं भी गई थी और मुझे नहीं मैं सोच रही थी कोई ना कोई अच्छी सी फ्रॉक वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट है ना वैसे तो हां ठीक है आप अपनी मर्जी का स्टिकर दिखा देना वीडियो में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है थैंक यू मैं ये देख रहा हूं ये देखो खदन नहीं देते अम्मी सर्दी गर्मी दोनों का है ना ये मैंने पूछ कर लिया था अच्छा ये पूरा इसका नेक है और फुल एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पे इसकी फैब्रिक कॉटन कॉटन है ये अच्छा वो खद्दर नहीं खद्दर नहीं और जो है ये इसका ट्राउजर भी बड़ा प्यारा प्रिंटेड है लाइट इस पे सेल्फ हुआ हुआ देखो ये देखो जाके तो करीब करो नहीं लाइट पे सेल्फ अच्छा खद्दर नहीं लेते अच्छा हाँ मैंने काफी ये था मेरे साथ दुपट्टा ही बहुत प्यारा दिखाओ दिखाओ दिखा रहे ये ड्रेस ना पसंद आया था घर में भी जब मैंने दिखाया था बहुत अच्छा लग रहा आ गया पसंद हाँ अच्छा लग रहा मैं आता ही कपड़े लेने भाई खद्दर नहीं इसके दिल पे लग गई खद्दर कपड़ा खचरा खचरा करता रहेगा अच्छा लग रहा है बहुत प्यार लग रहा है थैंक यू ये तो मेरा फर्स्ट था अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है प्यार लग रहा है ना वैसे सिलवाना ये उठा ये वाला है आपका बड़ा वाली मैं आपकी नहीं बना रही आप काम कर ले अपना ये वाला आप अपना कब उठा ले मैं यहाँ थोड़ी ना बैठूंगी मैं अंदर जा रही हूँ हाँ बना ले बना ले आप बाहर बोर्ड लगा लेंगे ना डोंट डिस्टर्ब कि कब तक मुकम्मल हो जाएंगी ये हिस्से की कहानियाँ आपके ही बस हो हुए हैं मैं बस जो भी है तो मेरा फ्रेंड सर्कल तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है तो फिर सभी की ख्वाहिश होती है कि वहाँ का तबर्रुक जो है ना वो सबको मिल जाए तो अभी है कि हस्बैंड ही रोज़ाना जो है ना लगे हुए होते हैं मैं तो ये था कि अब फ्री हो चुकी हूँ नीचे सो रहे हैं चाय पीने का मूड हो रहा था कभी कभार दिल करता है रात को जाओ चाय पीने का वैसे इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं चाय की चले जी मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ गुड नाइट